रानू मंडल को अपने एक वीडियो के जरिए पहले रातों रात इंटरनेट की वो सनसनी बनी और फिर बॉलीवुड में बतौर बैकग्राउंड सिंगर डेब्यू कर चुकी हैं वो। एक दौर था जब उनके हर वीडियो पर फैंस का जबरदस्त सपोर्ट देखने के लिए मिलता था। वहीं रानू के बैकग्राउंड को देखते हुए उन्हें इस मुकाम पर देखकर हर किसी को खुशी होती थी, लेकिन आज कई मौकों पर वहीं रानू मंडल ट्रोल होती हुई नजर आई सोशल मीडिया ट्रोल पर रानू मंडल की ओर से जो कई बयान सामने आए हैं, लेकिन अब उनकी बेटी एलिजाबेथ रानू को ट्रोल करने वाले लोगों की खबर ले रही हैं। दरअसल में बीते दिनों रानू मंडल की हैवी मेकअप वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। इस तस्वीर को लेकर सभी रानू का मजाक उड़ा रहे थे। कईयों ने इस तस्वीर के मीम बनाए तो कई लोगों ने ये भी कह डाला कि रानू इस मेकअप में किसी भूत से कम नहीं लग रही। रानू को ट्रोल किए जाने का सिलसिला अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि एक रिपोर्ट के मुताबिक जी हाँ उनकी बेटी का बयान सामने आया है। रानू की बेटी एलिजाबेथ ने कहा कि मैं वो माँ को इस तरह ट्रोल होते हुए देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। जी हाँ, इनके साथ ही एलिजाबेथ ने खुलासा किया कि रानू के साथ हमेशा ही एटीट्यूड प्रॉब्लम रहा है, जिसके कारण उन्हें पहले भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने कहा, काफी दुखद है कि जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में इतना संघर्ष किया और अब आखिरकार उसे जब सफलता मिली तो उन लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। जी हाँ, उनकी बेटी ने कहा कि भले ही लोग रानू को कितना ही ट्रोल कर ले, लेकिन लोग हमेशा रानू को उनके म्यूजिक के लिए प्यार करते रहेंगे और उनके गाने को सुनते रहेंगे। फिल्मी अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।